हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी और ये शाम, जैसा कि आपको पता, आज होली थी और मस्त होली खेले हम। बहुत ही तगड़ी बैलून फाइट हुई। अभी सुबह से घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं, तो शायद कह रहा था कि पार्क चलते हैं। और ये देखो, इसने अपनी गन भी ले ली है। यू कह रहा पार्क में, वहाँ स्मोक चलाऊंगा। अब बच्चों को हर जगह दिखाएगा क्या तू? हाँ, मजा आता है। तो गाइस, अभी विशाल को भी बुलाते हैं और फिर चलते हैं। पार्क के नाम से तो रियांश भी आ जाएगा। भाई साहब कई पागल होते हैं, वो पशुओं को भी रंग लगा देते हैं। यार पशुओं से क्या होली खेलनी। तो गाइस अभी विशाल भी आ चुका है। रियांश पता नहीं कहाँ चला गया। गोलू मोलू रशियन व्लॉगर कभी लाए। आज तो भूत बना पड़ा है वो। शक्ल देखिए उसकी, आज भूत बना पड़ा। उसका रंग छूट नहीं रहा, इतना ज्यादा होली खेली उसने। तू यहाँ तो देख। अरे हाँ, मेरा भी थोड़ा बहुत है। मैंने तो कम से कम 20 बार साबुन लगा ली, तब जाके अब भी बच रहा है। देखो तो गाइस, जब मैं होली खेल के नीचे आ गया था ना, जब ये पता नहीं कहाँ से पक्का कलर ले आए और सारे कपड़े खराब कर दिए। में खेले हम तो। तुम्हारे पास पक्का कलर था? पास एक ही था किसी के पास, लेकिन मेरे पास तो पक्का नहीं था। तो गाइस अभी रियांश आ चुका है, आज इसके सारे कपड़े कलर में कर देंगे, ठीक है। इसका नंगा कर दिया और फिर इसके पेट पे पूरा कलर लगा दिया। किसने लगाया? चीकू ने। बाल्टी भर भर के अपने ऊपर गिरी, तब छूटा है वो। यार रियांश ना कॉमेडी कैरेक्टर है, इससे सब मजे लेते हैं। सब मजे लेते हैं भाई, है? पूरी गड़ी मजे लेती है इससे। तो गाइस अभी हम पूरू से मिलने जा रहे हैं उसके घर। लंगूर बना पड़ा होगा। ये देखो उसका घर बन रहा है। पूरू के साथ थार गट्टा गवर और धन्नो। तो गाइस पूरू घर पे तो मिला नहीं भाई साहब, कोल्ड मॉन्स्टर पे बर्गर खा रहा अगला। भाई होली वाले दिन भी नहीं रुक रहा भाई। भाई साहब उसे गोदाम भरता नहीं करके खाने से। तो गाइस आज तक आपने बहुत ही खतरनाक सुपर बाइक देखी होंगी, मगर पूरू की बाइक देख ली ना आपने, आप योग हो गए। वाक्य में शरारती बच्चा है भाई साहब। इसकी हालत देखो, ये देखो नीचे से सब उखड़ा पड़ा है। ये यहाँ से देखो सब उखड़ा पड़ा भाई। चलती कैसे है? ये देखो यहाँ से टूटा पड़ा सब कुछ, यहाँ से टूटी पड़ी है। हैप्पी होली, हैप्पी होली। यार ये हायाबूसा कितने में बेचे गए बता दे बस। 150 रुपया लेगा। अगर ये एक दिन में इतनी अच्छी एक्टिवा तोड़ देता है, तो ये 2 दिन में कितनी एक्टिवा तोड़ेगा? ये तो भाई मैथ का क्वेश्चन बना दिया इसने। पूरे दिन में कितनी स्कूटी तोड़ते है, तो घर में क्या बवाल करता होगा? तो गाइस इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा, अगर पूरू एक दिन में इतनी अच्छी एक्टिवा तोड़ सकता है, तो 2 दिन में कितनी एक्टिवा तोड़ेगा? अभी तो आधा दिन बचा हुआ है, अभी तो और टूटनी है। खलिप्पा खलिप्पा। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं 9 सेक्टर वाले पार्क, वहाँ मस्त घूमेंगे और गन चलाएंगे स्मोक वाली, मजा आएगा। I'm so scared to leave my house, so I cannot run free from this. Always being watched by you, and that's so inconsiderate. तो गाइस अभी पार्क का प्रोग्राम चेंज कर दिया विशाल ने। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ पे हम पहले गए थे, मिट्टी वाले पहाड़ पे, जहाँ पे बहुत सारा, जहाँ पे बहुत बड़ा वो देखा था हमने जोर सा। ये देखो वैसे किसी की गाड़ी पे चढ़ के भाई, ये भाई उतर जाओ उतर जाओ, ट्रेन आने वाली है। कितनी खतरनाक भाग के गई है ना, कई बार फंस जाती है गाड़ी अंदर, पर ये काफी देर पहले बंद करते हैं फिर से खोल लेते हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अंदर की तरफ, अभी जाएंगे मिट्टी के पहाड़ पे, उस तरफ है कुछ मिट्टी का पहाड़। बाकी गाइस लाइट देखो साइड से कितनी प्यारी आ रही है भाई, मुझे तो लग रहा है रास्ता बंद कर दिया वहाँ का। ये देख सारा खोदा पड़ा यार। भाई साहब ये रास्ता पहले बहुत मस्त था यार, ये रास्ता पहले बहुत मस्त था जब हम पहले आते थे, जब मैं 6th से 7th क्लास में था, हम रोज आते थे 20 रुपए का पेट्रोल डलवा के यहाँ पे। ये देखो गाइस कितना प्यारा रास्ता है, दोनों तरफ खेत और सामने बिल्डिंग। ये देखो गाइस ये वो मिट्टी का पहाड़ था जिसमें हम पिछली बार चढ़े थे, मगर इसे तो कोई खा गया यार, किसने बाइट मार ली। ये देखो यहाँ से ट्रैकिंग है, उस तरफ मिट्टी के छोटे छोटे पहाड़ है, उन पे चलते हैं। गाइस अभी देखो हम कहाँ से ट्रैकिंग कर रहे हैं। ओ भाई ये पहाड़ टूट भी सकता है, कच्चा पहाड़ है। आगे भी है रास्ता। ये देखो गाइस कहाँ तक रास्ता है भाई साहब, आगे तक। ओ भाई कुंडा है, कुंडा। ये देखो गाइस पानी भी भरा हुआ है यहाँ पे, चट्टान। ये चट्टान है, मिट्टी है। तो गाइस अभी एज पे आ गए हैं, यहाँ से चलाएंगे हम स्मोक गन। भाई साहब बहुत ही मस्त व्यू आने वाला है, और बैकग्राउंड देखो, एक तरफ ये बैकग्राउंड आएगा और एक तरफ बिल्डिंग का, भाई साहब मस्त बैकग्राउंड आएगा। तो अभी शुरू करते हैं भाई साहब प्रोग्राम। लोकेशन बहुत ही प्यारी है भाई साहब, खुला है, शहर में इतना खुला मिलता नहीं है जितना यहाँ पे। लोकेशन दी किसने है ये इतनी बढ़िया? यहाँ पर बहुत शांति भी है, नेचुरल जगह जो है ना उसमें से शांति मिलती मिलती है। गाइस पोपट हो चुका है, हमारा सेल खराब निकला यार, स्मोक चला ही नहीं। तो गाइस अभी हम आ गए सस्ती लेक देखने, भाई साहब जहरीली लेक है, बहुत गंदी लेक है भाई साहब। ये फुहारा चल गया एकदम से, बहुत डर लग रहा है भाई। ये देख रहे हो गाइस लेक का व्यू, भाई साहब बहुत बकवास लेक है, हर जगह हम कहते हैं कि आप जरूर आना। हम रिकमेंड नहीं करेंगे भाई साहब, यहाँ मत आना, कमजोर दिल वाले तो बिल्कुल मत आना। ये देखो गाइस कितना मस्त डॉगी है भाई साहब, बहुत खतरनाक है भाई साहब।
पिटबुल ले आऊं पिटबुल ले आऊं। तो गाइस अभी बहुत सारी डक देखने जा रहे हैं हम, वो देख रहे हो सामने कितनी सारी डक है भाई। भाई साहब सारी उड़ गई, मजा आ गया भाई साहब उड़ते हुए देख के, और दोबारा बैठने का वेट करते दोबारा उठाएंगे। ये तुम्हारे ऊपर अटैक भी कर सकती है, हम सोच रहे उड़ नहीं पाएगी सारी उड़ गई है तो। अगर साइंस के सिर में चौंस मार दे तो भाई साहब ये बतख इसलिए शरीफ है, अगर ये टटीरी होती ना भाई साहब सिर पे इतनी चौंच मारती ना, रियांश के सिर पे चौंच मारनी चाहिए थी भाई ने। पहले कान पे गुब्बारा लग गया, इतना दर्द हो रहा था। किसने मारा? चेतन। गाइस जब हम पिछली बार आए थे ना तो इस सारे एरिया में पानी पानी था भाई साहब, सारा पानी सूख गया गर्मी की वजह से। तो गाइस साइंस देखो पंख उठा लाया वहाँ से बतख का, अभी चलते हैं कुछ खाते पीते हैं भाई। तो गाइस इस बार बैरिकेड खुले हुए हैं, मजा आ गया भाई। ये देखो यहाँ से आती ट्रेन, ये देखो गाइस बसंती की घोड़ी घूम रही है यहाँ पे, धन का ना इसका नाम। ये देखो एक और घोड़ा आ गया, डर क्यों रहा है, शेर थोड़ी है कोई। तो गाइस अभी अन्नी भी आ चुका है, अभी वोट डलवा रहे हैं कहाँ जाना है। तो गाइस अभी हम सारे आ चुके हैं राजमहल, मस्त पार्टी करेंगे भाई आज तो। ये देखो भाई चप्पल भी गिर दी एक्साइटमेंट में, ये देखो गाइस इसकी हरकतें, नमक चोरी करना है, टिश्यू चोर के साथ ही नमक चोर भी बन गया, दूसरा काम बन गया। तो गाइस अभी हमारा खाना आ गया, अभी इसे निपटा लेते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइस अभी हम आ गए इनके प्ले एरिया में, ये देखो रियांश कितना छोटा बच्चा बन रहा है, ये देखो स्कूटर को कहाँ चढ़ा रहा है, ओए गिर गया। ये देख रहे हो गाइस कहाँ घूम रहे हैं, और ये देखो रियांश कितने छोटे टेम्पोलिन पे घूम रहा है भाई। भाई रियांश के लिए तो टेम्पोलिन छोटा है यार। ये देखो क्या कर रहे हैं अभी भाई, टीवी तोड़ देते हैं वहाँ का। तो गाइस अभी मैं लेके आया इन्हें आइसक्रीम खिलाने, रियांश जिद कर रहा था आइसक्रीम खाने की। ये वाला आया है, ये वाला कौन सा आइसक्रीम खाओगे बच्चों? भाई साहब देखिए अंकल को कंफ्यूज कर देंगे, पिछली बार भी इन्हें कंफ्यूज कर दिया था हमने, याद है? चोकोबार नहीं है। ये देखो गाइस सबने क्या रंग बिरंगी आइसक्रीम ले ली है भाई साहब, तीन कलर वाली आइसक्रीम है। इसने आइसक्रीम वाले अंकल को पागल कर दिया। कहते पहले कहता अंकल ये वाली है, अंकल ने कहा है नहीं दूसरी वाली है नहीं तीसरी वाली, तीसरी वाली दे दी इसके हाथ में, नहीं वापस ये वाली नहीं चाहिए, दूसरी दो। वो हाथ जोड़ करा भाई यार, शांत होता यहाँ, एक बता दे कौन सी चाहिए। मेरे पास इतना दिमाग नहीं है। वो ये कह रहा है ये तो एक है, अगर ऐसे तीन चार हो जाए तो मैं पागल हो जाऊँ। हाथ जुड़वा दिया इसने, हाथ जोड़ दिया अंकल ने। बाकी गाइस आज गर्मी बहुत ही ज्यादा भयंकर गर्मी है भाई साहब, आज दो मिनट में पसीने आ जा रहे हैं भाई। ये देखो विशाल का क्या हाल हो गया। बाकी फ्लेवर कैसा है इसका? तो गाइस अभी पहुंच चुके घर, आज के लिए इतना ही, होप करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाग के।